गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एम टी यूट्यूब चैनल। एम बी एस मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स इज इनकॉर्पोरेटिंग या इनकॉर्पोरेशन क्या होता है इसका। इट इज अ बेसिकली अ लीगल प्रोसेस दैट इज यूज टू फॉर्म अ कॉर्पोरेट एंटिटी और कंपनी। इनकॉर्पोरेशन एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी या फिर कंपनी को फॉर्म अप कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन इज रिजल्टिंग लीगल एंटिटी दैट सेपरेट्स अ फर्म्स एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम इट्स ओनर एंड इन्वेस्टर्स। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी उसके एसेट्स उसके ओनर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन हैव बीन क्रिएटेड इन नियरली ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूजुअली आइडेंटिफाइड इन द टर्म INC, जैसे मैंने आपको बताया ना, और लिमिटेड भाई, राज लिमिटेड, सन्स एंड लिमिटेड। तो लिमिटेड का पहचान यही है कि इट इज डिफरेंट इन द नेम्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ लीगली डिक्लेयरिंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जहां भी कंपनी के पीछे लिमिटेड या INC लग जाता है इनकॉर्पोरेशन, तो उसका मतलब यह है कि इट इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। इनकॉर्पोरेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्ट द ओनर असेट्स अगेंस्ट द कंपनीज लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो बिजनेस सेटअप किया है, तो मेरी लायबिलिटीज जो है वो बिजनेस की नहीं है और बिजनेस की लायबिलिटीज मेरी नहीं है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, तो प्रोटेक्ट करता है। अलाउज फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू अदर पार्टीज, इजीली आप दूसरी पार्टी में ओनरशिप शिफ्ट कर सकते हो। अचीव अ लो टैक्स रेट देन अ पर्सनल इनकम, रिसीव मोर लिमिटेड टैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉस कैरी फॉरवर्ड, कैन रेज कैपिटल थ्रू सेल्स ऑफ स्टॉक। पर्सनली सेल्स ऑफ स्टॉक में रेज नहीं हो सकता, यहाँ इसका हमें फायदा मिल जाता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉर्पोरेशन आर द मोस्ट वाइडली लीगल व्हीकल फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस। लीगल डिटेल्स ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन टू ज्यूरिडिक्शन मोस्ट ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स इन द कॉर्पोरेट। क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, किस तरह से आप क्रिएट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व ड्राफ्टिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच लिस्ट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिजनेस, लोकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स, स्टॉक क्लास ऑफ स्टॉक। अ क्लोज कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल वुड नॉट इश्यू स्टॉक। तो बेसिकली जब भी हम कोई कॉर्पोरेशन ड्राफ्ट करते हैं तो एक आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन भरा जाता है जिसके अंदर कंपनी का पर्पस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उसकी लोकेशन क्या है, क्लास ऑफ स्टॉक। जैसे कि अगर कोई कॉर्पोरेशन क्लोज है तो वो कभी भी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। कंपनी आर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर, स्मॉल कंपनीज कैन हैव वन शेयर होल्डर, बाई लार्ज और पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी हैव सेवरल और थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। एज अ रूल शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ देयर ओन शेयर्स। हमें यह पता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी में जो प्रॉफिट है उसके हकदार होते हैं, और इसके अलावा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ देयर ओन शेयर। ओनर द शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी यूजुअली फ्रॉम द डिविडेंड। जब कंपनी को डिविडेंड रिसीव होता है तो उसमें से जो प्रॉफिट है उनका हिस्सा है वो मिलने के वो हकदार होते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज, टेक केयर कंपनी एंड मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, दे आर यूजुअली इलेक्टेड एम्बिलियम। सबको पता है डायरेक्टर्स एम्बिली इलेक्ट होते हैं। स्मॉल कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, लार्ज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। Except in cases of fraud or specific tax status, the director do not have any personal liability. और अदर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन एक लीगल प्रोसेस है बाय विच बिजनेस एंटिटी ऑर्गेनाइज एंड ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस। इट इन्वॉल्व राइटिंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। असेट्स एंड कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर कैप्ट सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट refers to the complementary product or service used in the conjunction with other product. Usually complementary product has a little or no value when consumed alone, but when combined with another product it adds the overall value. A product can be considered a complement when it shares with a beneficial relationship with another. For example, an iPhone complements an app. कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट यहाँ पर एक अलग टॉपिक है जिसको मैंने इस क्लास में एड ऑन किया है। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अलग से कंज्यूम करने में कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तभी बेनिफिशियल होते हैं जब ये किसी प्रोडक्ट के साथ कंज्यूम किए जाएं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आईफोन एक प्रोडक्ट है और उसके साथ आईफोन ऐप जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है।
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आर ऑफ जॉइंट डिमांड नेचर कॉजेस एंड इंटरनली बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड फॉर द सेकेंड प्रोडक्ट एंड द प्राइस फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्लक्चुएट द कनेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द यूजर डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट डिक्रीजेस ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिमांड है वो हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी होती है अगर प्राइस बढ़ेगा किसी प्रोडक्ट का तो जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड है वो अपने आप में कम हो जाएगी ठीक है क्रॉस इलास्टिसिटी होती है कंज्यूमर डिमांड वीकनेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में फॉल्स फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट फॉल्स बिकॉज कंज्यूमर्स आर अनलाइकली टू यूज द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑनली कोई अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया जैसे आईफोन के रेट्स हाई हैं तो अगर कस्टमर उसको नहीं खरीद रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज इट कॉज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ हॉट डॉग्स बन कोई हॉट डॉग्स की अगर डिमांड बढ़ गई है प्राइस बढ़ गया है तो हॉट डॉग बंस की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो उसके साथ ही कंज्यूम होता है The cost of hot dog program has inverse relationship with the demand. Consumer may substitute hamburgers for the picnic. Weak complementary mustard, ketchup product with little impact. जो weak complementary product होते हैं उसका इतना impact नहीं पड़ता है जितना strong complementary product भी होता है Complementary pairs are not two-sided or one-sided. Using another example, the price of the car tire decreases. It is not necessary to increase the demand of the car. हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कार की जो टायर है कॉम्प्लीमेंट्री है अगर उसके प्राइस कम हो गए तो ऐसा नहीं है कि कार के प्राइस भी कम हो जाएंगे मेन प्रोडक्ट से ही फर्क पड़ता है इफ द प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ कार टायर्स अब अगर कार की प्राइस कम हो गए तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी कार टायर्स की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने रिलेट करे हैं जिनको आप वन टू वन पढ़ सकते हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर मोर लुक्रेटिव फॉर द प्रोडक्ट जैसे नेटफ्लिक्स वुड बी कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट फॉर ट्रेडिशनल केबल हाउएवर द पोटेंशियल अनबंडलिंग ऑफ केबल चैनल फाइनेंशियल एनालिस्ट एग्री दैट नेटफ्लिक्स में मूव अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अनबंडलिंग ऑफ चैनल्स रिफर्स टू कस्टमर्स एबिलिटी टू पिक एंड चूज विच केबल चैनल दे प्रेफर फॉर रादर देन बीइंग रिक्वायर्ड टू परचेज द एंटायर केबल पैकेज देयरफॉर नेटफ्लिक्स मे बिकम अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टू द केबल वंस इट डिसाइडेड टू अनबंडल अब जैसे आपको ये बताया कि भाई पहले क्या होता था कि कस्टमर नहीं चाहता था कि वो पूरे केबल के सारे चैनल नहीं देख रहा है तो वो अनबंडलिंग में सेलेक्टेड चैनल देख लेता था आप देखा जा रहा है कि उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स एक कॉम्प्लीमेंट्री वो है जो उसके साथ उसको एडिशनल में मिल गया सी एन बी सी टू एस्टिमेट द कंपनीज एक्ट इसमें बहुत ज़्यादा चूज करने में ऑप्शन में देखा गया है कि बहुत फायदा भी हुआ है कंपनीज को कॉम्प्लीमेंट्स और इलास्टिसिटी की रिलेशनशिप की बात करें वीक कॉम्प्लीमेंट्स की लो इलास्टिसिटी होती है हाई कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की हाई इलास्टिसिटी होती है ठीक है जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ क्रीम इन केस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस द आईफोन रेट रिड्यूसेस द सेल ऑफ आईफोन एंड द डिमांड ऑफ आईओएस ऐप ऑब्वियसली बात है ऐप की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम सब्सिट्यूट प्रोडक्ट विच आर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट सेटिस्फाई द सेम कंज्यूमर नीड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज वन यूज इन कंजंक्शन विद अदर जैसे कि मैंने बताया सब प्रोडक्ट में हैव लिटिल वैल्यू विदाउट द मेन प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट वेन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइज द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया इसके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी होती है तो आई होप आज की क्लास को आप इजीली समझ पाए हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं सिंपल टॉपिक था इनकॉर्पोरेशन किसे कहते हैं और उसके साथ एक टॉपिक मैंने एडिशनल ऐड किया था जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं तो आई होप आप इजीली इसको समझ पाएंगे वर्ड टू वर्ड फॉलो करने के लिए आप उसके नोट्स को पढ़ें जो आपको शेयर कर दिए जाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ऑडियो इश्यू नहीं होगा अगर आप ईयरफोन से सुनेंगे तो थैंक यू क्लास